गुड इवनिंग राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है आज आपको रीजनिंग और मैथ के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे बतलाएंगे जो बिहार एसएससी झारखंड एसएससी दारोगा के मुख्य परीक्षा में और रेलवे का जो एएलपी है जो आपका लोकोमोटिव पायलट वाला एक आया है उन सभी परीक्षाओं में ये काम देगा पोटैटो के सभी अक्षरों के प्रयोग से कितना क्रम बनाते हैं जिनमें सभी स्वर लगातार स्थान पर रहते हैं यहाँ पर आपको सभी स्वर को लगातार स्थान पर रखना है तो स्वर आपके पास है ओ ए और ओ इन तीनों को लगातार स्थान पर रखना है ये नहीं मेंशन किया गया है कि कॉन्सोनेंट्स लगातार रहेगा कॉन्सोनेंट में हो सकता है तीनों इधर रहे तीनों इधर रहे दो इधर दो इधर कहीं भी रह सकता है तो टोटल आपके पास एक दो तीन चार चार यूनिट हो गए लेटर्स के इसको आप लिखेंगे फैक्टोरियल फोर ये जो एक समूह बनता है इसमें तीन अक्षर है आपके पास तो ये लिखाएगा फैक्टोरियल थ्री और अगर कोई चीज रिपीटेड होगा जैसे आपका ओ रिपीटेड है और आपका टी भी रिपीटेड है तो अगर कोई चीज एक से अधिक बार आता है तो जितनी बार आएगा उतना फैक्टोरियल नीचे लिखाएगा जैसे ओ के लिए फैक्टोरियल टू और टी के लिए भी फैक्टोरियल टू. ये सॉल्व कैसे होता है? फैक्टोरियल फोर का मतलब होगा ये चार लिखेंगे आप और तीन दो एक ये चार लिखकर लगातार एक तक गुना करेंगे फैक्टोरियल तीन का मतलब है तीन गुना दो गुना एक फैक्टोरियल टू हो गया दो गुना एक ये दो गुना एक तो दो दुना चार कैंसिल कीजिए तीन दुना छे अठारह गुना दो छत्तीस आपका आंसर होगा दो तो संख्याओं का महत्तम समाप्त वर्तक तथा गुणनफल क्रमशः पंद्रह तथा तिरसठ सौ है मान लीजिए एक संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है तो इस केस में आप पंद्रह एक्स लेते हैं और ये पंद्रह वाई लेते हैं इसमें कहा गया कि ये आपका देखिए जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा आप वो निकालिएगा उसके बाद जो फैक्टर्स बचेंगे वो यहां पर आ गया एक्स और वाई के रूप में इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वह आपका तिरसठ सौ है यानी पंद्रह गुना पंद्रह दो सौ पच्चीस एक्स वाई बराबर तिरसठ सौ तो एक्स वाई बराबर तिरसठ सौ बटा दो सौ पच्चीस आप भाग दीजिए अगर हम पंद्रह से चलेंगे पंद्रह बार पंद्रह गुना चार साठ होगा तीस हुआ चार सौ बीस फिर ये पंद्रह से कटेगा पंद्रह गुना तीस बारह बचा एक सौ बीस अट्ठाईस यानी ये जो x और y है ये 28 है यानी दो फैक्टर होना चाहिए x और y जो 28 आना चाहिए तो ये एक गुना 28 हो सकता है ये दो गुना 14 नहीं ले सकते हैं कारण है कि जब हम दो और 14 लेंगे तो इसका एक कॉमन फैक्टर दो भी तो आ जाएगा तो HCF में आपका आ जाना चाहिए इसलिए ये जो होगा ना वो आपस में ध्यान रखिएगा फैक्टर कॉमन वन होना चाहिए उस केस में। जिसे हम लोग को प्राइम भी कहते हैं वन फैक्टर होना चाहिए कॉमन तो दो से नहीं होगा चार से जाएगा चार गुना सात ये भी रहा अट्ठाईस फिर सात गुना चार तो बात बराबर हुआ यानी आप पंद्रह गुना एक दो संख्या है ना पंद्रह एक्स और पंद्रह वाई तो आप x का वैल्यू एक लेंगे तो पंद्रह होगा और यहां y का वैल्यू 28 लेंगे तो पंद्रह गुना अट्ठाइस आपका हो जाएगा वो चार सौ बीस पंद्रह गुना चार लेंगे तो साठ होगा और पंद्रह गुना सात लेंगे तो एक सौ पांच होगा तो क्वेश्चन है कि ऐसी संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं तो ये दो युग्म आपका संभव था ये रहेगा आपका आंसर इसी पैटर्न में गोवर्धन को डी एच एन आर जी ओ वी ए लिखते हैं प्लूटो को T O यू पी एल लिखते हैं इसी पैटर्न में फ्रेंड्स को किस प्रकार लिखेंगे? देखिए गोवर्धन की बात करें तो ये रहा जी ओ वी ए आर कॉमन है फिर डी एच ए एन यानी इस केस में क्या हुआ कि चार अक्षर हमने यहाँ लिया बीच वाले को छोड़ दिया और बाकी चार अक्षर तो बाकी जो देखिए अंत वाला चार को आरंभ में रखा आरंभ वाले चार को अंत में कर दिया प्लूटो में यू आपका बीचो बीच है उसको रहने दिए पीएल जो है उसको लास्ट में कर दिए और टीओ को शुरू में कर दिए जब हम फ्रेंड्स की बात करेंगे तो यहां आपका बीचो बीच ई है ये यहीं पर रहेगा एनडीएस जो रहेगा वो शुरू में आ जाएगा एफ जो होगा वो बाद में आ जाएगा तो एनडीएसर एन ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा देखिए ये गुना नहीं है ध्यान रखिएगा इसमें बहुत बार कंफ्यूजन में गुना के हिसाब से हम लोग सीधा सीधा कट कर देते हैं ये जोड़ है इसलिए आपको ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा चार का क्यूब चौसठ है पांच का क्यूब एक सौ पच्चीस है और छ का क्यूब आपका दो सौ सोलह है आप इनको जोड़िएगा तो दो सौ सोलह और चौसठ दो सौ अस्सी तीन सौ अस्सी और चार सौ पांच ये जोड़ चार सौ पांच हो जाएगा चार का स्क्वायर सोलह ये पच्चीस और ये छत्तीस होगा आप इनको जोड़े पच्चीस और सोलह इकतालीस और छत्तीस लेंगे तो ये सतहत्तर इनमें कॉमन आपका कोई फैक्टर है नहीं कटेगा नहीं इससे सीधा आंसर हो गया 405 सौ पांच बटा सतहत्तर ऑप्शन नंबर बी ये अक्षर दिया हुआ है और कहा गया कि श्रृंखला पूरी के बतलाओ इसमें नेक्स्ट क्या होगा ग्रुप में जब भी अक्षरों की श्रृंखला ऐसे दी जाए ना अल्फाबेट में जो लेटर का पोजीशन है वो लिखते चलिएगा जैसे ये सात है ये चौदह है ये ग्यारह है ये नौ है आपका ये तेरह और ये बारह है यहां ग्यारह होगा ये ग्यारह है ये आपका पंद्रह है ये तेरह आठ और ये बीस आ गया यहाँ पर आपका पंद्रह है चार है अच्छा ये जो है ना एक भी ले सकते हैं और उसको सत्ताईस भी आप ले सकते हैं एक का वैल्यू एक भी ले सकते हैं एक का वैल्यू आप सताइस भी ले सकते थे अब देखिए यहां सात दो नौ तो ग्यारह दो तो तेरह दो तो पंद्रह दो तो सत्रह यानी आपका आंसर क्यू से शुरू होना चाहिए ये दोनों गया सेकेंड मेंबर की बात करेंगे अब देखिए अब दूसरे मेंबर की हम बात करें चौदह एक घट गया तेरह दो कम हो गया ग्यारह तीन कम हो गया आठ चार कम हो गया चार पांच घटेगा इस बार तो बोलिए पांच घटना है तो डी को आप चार भी ले सकते हैं और डी को आप तीस भी ले सकते हैं तीस में से पांच घटेगा पच्चीस आ जाएगा यानी वाई रहेगा आपके इसमें भी वाई है उसमें भी वाई है अब एग्जाम के हिसाब से थोड़ा ध्यान रखिएगा जब आपने ये दोनों विकल्प काट दिया था और सेकंड प्लेस पर वाई और वाई मुझे नज़र आ रहा था तो अभी जो मैंने ये काम किया वो आप एग्जाम में नहीं करेंगे कारण है कि कोई भी आंसर रहेगा तो वही रहेगा आपका आंसर तो वो समय बर्बाद होगा इसलिए जब विकल्प छाटते हैं और दो बचता है और दोनों में समान चीज नजर आता है जिस प्लेस पर उसको चेक मत कीजिए वो समय बर्बाद होगा आपका एग्जाम में अब आप जो तीसरा वाला था ना उसको चेक करते कारण है कि तीसरे वाले में ही अंतर है यही आपको डिसाइड कर देगा कि आपका आंसर क्या होगा थर्ड वन देखिएगा ग्यारह में एक बढ़ेगा बारह ये तीन बढ़ेगा पंद्रह ये पांच बढ़ेगा देखिए पंद्रह पाँच बीस और बीस में सात बढ़ेगा सत्ताईस तो यहाँ इस बार नौ बढ़ेगा नौ और एक दस दस हो गया आपका नौ और एक दस रहेगा ये होगा जे ठीक है वो दस आपका रहेगा तो आंसर हो जाएगा आपका क्यू वाई और जे आपका एक तीन पाँच सात नौ इस तरह से बढ़ रहा था कहा गया 2010 रुपये को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को यदि पांच रुपया मिलता है तो बी को बारह रुपया मिलेगा यानी ए को अगर आप पांच रुपया देते हैं तो बी को आप बारह रुपया देंगे और बी को अगर आप चार रुपया देते हैं तो सी को आप साढ़े पांच रुपया देंगे विभाजन में सी का भाग बी के भाग से कितना रुपया अधिक होगा ये आपसे पूछा जा रहा है तो अभी आप यहीं से केवल नहीं देती दीजिएगा देखिए दोनों में कॉमन बी है तो इसका आपका तरीका ये भी रहता है कि आपस में कैसे इसको रेशियो निकालेंगे तो ए इस बी इस सी बी कॉमन है ऐसे तो अगर इन दोनों को गुना किया जाता है तो वो ए का मान होता है यानी पाँच गुना चार, ये बीस और आप इन दोनों को अगर गुना करेंगे तो यह बी का मान होता है ये चार गुना बारह ये अड़तालीस और अगर आप इनको गुना करेंगे तो यह सी का मान हो जाता है यह बारह गुना साढ़े पांच बारह पच्चीस साठ और बारह का आधा छह ये छियासठ ये ए बी सी का वैल्यू होता है इसको और छोटा करना है तो और छोटा कर सकते हैं हम लोग देखिए सब जो है आपका दो से कट जाएगा तो एस टू बी एस टू सी ये दस होगा ये चौबीस होगा और ये 33 होगा चौबीस और दस चौंतीस और 33 सड़सठ यानी तीनों का वैल्यू अगर आप मिला देंगे तो तीनों का वैल्यू मिलाकर सिक्सटी सेवन होगा यहाँ पर आपका टू ज़ीरो वन ज़ीरो है तो टू ज़ीरो वन ज़ीरो को सड़सठ से अगर भाग देते हैं तो सड़सठ तीन बार जाएगा एक सौ अस्सी सात इक्कीस दो सौ हो जाएगा ये थर्टी टाइम्स यानी थर्टी टाइम्स होगा तो आप क्या करेंगे इनके बीच में जो पूछा गया उसकी बात सिर्फ करेंगे सी का भाग सी तेंतीस है तो बी चौबीस है नौ यूनिट ज्यादा है और एक यूनिट का मान तीस रुपया आया तो नौ यूनिट का मान नौ गुना तीस दो सौ सत्तर रुपया होगा जो पूछा गया सिर्फ वो कैलकुलेट कीजिए अगर आपको मन है कि नहीं सबका वैल्यू चाहिए तो एक यूनिट का मान तीस है तो एक का होगा का वैल्यू तीस गुना दस तीन सौ रुपया इसका तीस गुना चौबीस सात सौ बीस रुपया इसका तीस गुना तैतीस तो ये तैतीस दिया निन्यानवे 99, ये नौ सौ नब्बे रुपया दो हजार दस रुपया को इस हिसाब से आपको बांटना पड़ेगा क्वेश्चन था सी और बी के बीच का अंतर तो दो सौ सत्तर रुपये का अंतर श्रृंखला में कितने पांच के पहले और बाद दोनों स्थान पर पांच है यानी आपको ऐसे सोचना है पांच के पहले भी और पांच के बाद भी पांच चाहिए लगातार तीन बार पांच चाहिए एक ये दूसरा ये तीसरा ये रहेगा चौथा ये वाला लगातार पांच है ये पांच है तो टोटल हो गया दो एक तीन और दो पांच बार रहेगा ये आंसर रहेगा एक खुदरा विक्रेता थोक विक्रेता से अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर सामान खरीदता है और तौल में 20% की गड़बड़ी करता है ग्राहक को सामान बेचते समय अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और तौल में 20% की गड़बड़ी करता है खुदरा विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त होता है ये आपके पास है जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आपको मिलता है जो बेईमान दुकानदार वाला होगा ना उसमें क्या कीजिएगा कि तौल हमेशा आप हजार मानिएगा और मूल्य को भी हमेशा हजार रुपया मान करके चलिएगा तो कैलकुलेशन आपके लिए आसान होगा अब देखिए खुदरा वाला गया थोक के पास खरीदने के लिए अंकित मूल्य था हजार रुपया ये आपका अंकित मूल्य है यह मान लीजिए हजार रुपया बीस परसेंट की छूट पर लिया तो बीस परसेंट यानी दो सौ कम हो गया तो 800 में खरीदा लेकिन तौल में 20 परसेंट की गड़बड़ी किया तो गड़बड़ी करेगा तो फायदा कमाएगा तभी तो गड़बड़ी किया 20 परसेंट की गड़बड़ी किया यानी 200 यूनिट बढ़ गया अर्थात वह 1200 ग्राम 800 रुपया में खरीद लिया यहाँ छूट भी मिला पैसे में 800 रुपया में 1200 ग्राम खरीद करके आ गया अब वो ग्राहक को बेचता है देखिए अब यहां पर ये थोक का था और ये खुदरा वाला था थोक वाला जिस हिसाब से बेचा खुदरा वाला ने 1200 ग्राम खरीद लिया आठ सौ रुपया में अब यहां से वह ग्राहक को बेचेगा अब ग्राहक देखिए ग्राहक को बेचने समय क्या किया वो अंकित मूल्य पर 20% परसेंट की छूट दिया तो अंकित मूल्य का हुआ हजार कहा कि हम 20% परसेंट की छूट तुमको देंगे यानी 200 कम कर देंगे 800 में बेचेंगे तो 800 में उसने कहा मैं एक किलो बेचूंगा लेकिन फिर क्या किया कि तौलने में बीस परसेंट गड़बड़ी किया इस बार गड़बड़ी करेगा वो खुदरा विक्रेता तो अपने फ़ायदे के लिए यानी बीस परसेंट वो कम कर देगा अर्थात आठ सौ ग्राम ही तोलेगा तो आठ सौ ग्राम आठ सौ रुपया में होगा अब इसके बाद बारह सौ ग्राम उसका स्टॉक था तो चार सौ ग्राम वो और देगा उसके लिए चार सौ रुपया और लेगा तो उसने टोटल 800 और 400 टोटल 1200 रुपया प्राप्त किया और अपना जो 1200 ग्राम का सामान था वो बेच दिया अब क्वेश्चन यह है खुदरा विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ तो देखिए उसने हजार खर्च नहीं किया था उसने खर्च किया था आठ सौ रुपया ही और मिल गया उसको बारह सौ रुपया तो आठ सौ रुपया उसने लगाया और मिला उसको बारह सौ रुपया चार सौ रुपया उसको फायदा हुआ आठ सौ में चार सौ जो रहा वो पचास परसेंट हुआ ये रहेगा आपका आंसर पचास परसेंट दस पुरुष किसी कार्य को अठारह दिनों में पूरा करते हैं ये दस पुरुष है अठारह दिन में पूरा करते हैं उसी कार्य को पंद्रह महिलाएं पंद्रह महिला हैं है और चौबीस दिनों में पूरा करती इसमें जब सॉल्व करते हैं हम लोग तो ये जो दिन है 18 और 24 इनका एलसीएम लेते हैं 18 और 24 का एलसीएम लीजिएगा जिसमें दोनों संख्या से घट जाना चाहिए वो सात सौ बहत्तर पहले बहत्तर मानिए 18 गुना चार चौबीस गुना तीन लेकिन थोड़ा सा जब यहाँ पर नंबर रहेगा ना इसी को थोड़ा बढ़ा दीजिए एक आध जीरो और आगे डाल दीजिए हम सात काम लेते हैं टोटल ये जो रहेगा ना ये कुल कार्य अपने सुविधा के लिए हमने 720 कर दिया 720 काम 18 दिन में पूरा होगा तो एक दिन में 40 कार्य होगा ये प्रतिदिन कार्य एक दिन में कितना काम होगा वो 40 काम और सोचिए ये 24 है तो एक दिन में 30 काम अब यहां देखिए अगर 10 पुरुष एक दिन में 40 काम करते हैं तो एक पुरुष एक दिन में चार काम करेगा और अगर पंद्रह महिलाएं एक दिन में तीस काम करती है तो एक महिला एक दिन में दो काम करेगी अब क्वेश्चन में कहा गया कि चार महिलाएं और तीन पुरुष सोचिए तो मेंशन है चार महिलाएं और तीन पुरुष मिलकर काम किए एक महिला एक दिन में दो काम तो चार गुना आठ काम और एक पुरुष एक दिन में चार काम तो तीन गुना चार बारह काम यानी टोटल एक दिन में बीस काम हुआ तो अगर टोटल एक दिन में बीस काम होता है तो इनको काम पूरा करने के लिए सात सौ बीस बटा बीस ये टोटल काम है ये एक दिन में बीस काम है 720 तो बटा 20 यानी 36 दिन में ये कॉम्बिनेशन आपका काम कर देगा ये कॉम्बिनेशन चार महिला और तीन पुरुष जो है वो आपका 36 दिन में काम पूरा करेगा ये ऑप्शन नंबर सी कहता है 31 एक तारंकित चिन्ह पांच एट द रेट आठ बराबर है उधर इसमें से इन दोनों में से किसे आप वहां पर सेट करेंगे गणितीय चिन्ह पर कि प्रयोग से समीकरण सही हो जाएगा यह विकल्प में आपका गणितीय चिन्ह दिया हुआ है भाग और गुना देखिए अगर मैं बत्तीस भाग देता हूं बत्तीस तो को पांच से भाग देंगे तो डेसिमल में चला जाएगा और यहाँ पर गुना चलेंगे तो यहाँ पर आप भाग अगर यहाँ भी दीजिएगा तो यहाँ तो कट जाएगा आराम से डेसिमल तो आएगा नहीं इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत है प्लस और माइनस अगर मैं कहता पहले देखिए एस्टेरिक है ये प्लस लेंगे ये माइनस बत्तीस पाँच सैंतीस में आठ घट गया ये आपका उनतीस होता आपका ये माइनस है ये प्लस है तो चालीस में बीस गया बीस और बीस में दस जोड़ेंगे तीस है ये बराबर नहीं हुआ माइनस और प्लस चलते हैं बत्तीस में पहले माइनस करेंगे फिर प्लस कर देंगे बत्तीस में सत्ताईस सत्ताईस में आठ जोड़ दिए पैंतीस ये आपका अगर पहले आप प्लस ले रहे हैं साठ में दस जोड़ेंगे घटाएंगे तो ये पचास ये भी नहीं तालमेल बैठा चौथा ऑप्शन देखिए चेक करते चौथा ऑप्शन कहता है कि इसके लिए आप गुना चिन्ह यूज करें और इसके लिए भाग का चिन्ह यूज करें इसके लिए भाग का चिन्ह यूज करें तो ये हो गया बत्तीस गुना पांच भाग आठ बराबर बीस और ये हुआ चालीस भाग बीस ये दो रहेगा गुना दस ये दो रहा दो गुना दस ये भी बीस ये सेट हो गया तुरंत तरफ बीस और बीस आ गया आपका बराबर। मोहन को सोहन से चार सौ रुपया अधिक पंकज से तीन सौ रुपया कम होता है। से दो सौ रुपया अधिक नवीन से सौ रुपया कम प्राप्त होता है अब रोही क्रम में तीसरे पर कौन है पतला देना देखिए इसमें नाम आया है सोहन का फिर नाम एक आया है मोहन का फिर एक नाम है पंकज फिर आया नाम जीवक और फिर एक नाम है नवीन पहला जो भी नाम नजर आएगा उसको कुछ रुपया अपने मन से आप दे दीजिए अपने मन से कुछ भी दे दीजिए 800 900 1200 2500 कुछ भी दे दीजिए पहला नाम मोहन को आया हमने अपने तरफ से इसको दे दिया पच्चीस सौ रुपया तुम रख लो कुछ भी एक्स लेकर चलेंगे ना तो ज्यादा कैलकुलेशन में समय लगेगा कुछ भी वैल्यू डाल दीजिए मोहन को सोहन से चार सौ रुपया अधिक मोहन को सोहन से अगर चार सौ रुपया अधिक है तो सोहन को इक्कीस सौ और पंकज से तीन सौ रुपया कम है तो पंकज को अट्ठाईस सौ जीवक को पंकज से दो सौ रुपया अधिक जीवक को पंकज से दो सौ रुपया अधिक तो इसको तीन हजार और जीवक को नवीन से सौ रुपया कम प्राप्त होता है तो नवीन से इसको सौ रुपया कम मिलेगा जीवक को तो ये हो गया इकतीस सौ अब क्वेश्चन है कि अवरोही क्रम अवरोही मतलब घटते क्रम में घटते क्रम में बतला देना कि तीसरे नंबर पर कौन था तो घटते क्रम में देखिए जीवक को पंकज से दो सौ रुपया अधिक जीवक को पंकज से दो सौ ज़्यादा और नवीन से सौ रुपया कम मिलता है नवीन से सौ रुपया कम मिला सबसे ज्यादा मिला नवीन को दो तो नंबर पर जीवक है तीन नंबर पर पंकज है तो आपसे कहा गया कि कौन इसमें आ रहा है तीसरे स्थान पर तो आंसर हो गया आपका पंकज था चार नंबर पर आपका मोहन होता पांच नंबर पर सोहन होता प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी बतला देना इस तरह के क्वेश्चन में चाहे तो आप ऐसे देखें या इस तरफ से देखेंगे लेकिन हर एक नंबर को यूज करके पैटर्न बनना चाहिए इधर से एक एक बढ़ रहा है ये एक एक बढ़ रहा है तो लेकिन ये वैसा नहीं बढ़ रहा था एक एक तो ऐसे सोच करके अगर देखते हैं तो दो का क्यूब और तीन का स्क्वायर इनको जोड़ेंगे आठ और ये हो गया नौ आठ और नौ मिलकर सत्रह हो गया तो तीन का क्यूब हो गया आपका सत्ताईस और चार का स्क्वायर हो गया सोलह सत्ताईस और सोलह जोड़कर तैतालीस हुआ चार का क्यूब है चौंसठ और पाँच का स्क्वायर है, है पच्चीस छः दो आठ पाँच चार नौ एटी नाइन हो गया आपका आंसर सी यहां पर 89 रहेगा कुंदन के परिवार में चार पीढ़ी के व्यक्ति हैं और परिवार के सभी व्यक्ति विवाहित हैं प्रत्येक विवाहित युगल को केवल एक पुत्र है कुंदन की मां लक्ष्मी है नेहा का पोता चेतन है कमला की सास राधा है रवि के दादा हरि हैं इनमें से कौन विवाहित युगल है इसमें देखिए एक चीज चार पीढ़ी में गया 1 2 3 4 हर एक में आपका कहा गया सभी लोग इसमें विवाहित थे ऐसे यानी चार पुरुष और चार महिलाएं होंगी अब कौन किस जनरेशन में जाने वाला है यह नहीं क्लियर हो रहा था एक मेंशन है कुंदन की मां लक्ष्मी है नेहा का पोता चेतन है तो अगर मैं यहां नेहा रखता हूं तो उसका पोता यह होगा जो तो चेतन तो जब इस तरह से एडजस्ट करना था तो हम शुरू में ही अगर एक कॉपी और बना लें, तो दो ही कंडीशन आपके पास बन सकता था नेहा नेहा का पोता चेतन, या यहां पर नेहा लिखेंगे, तो उसका पोता चेतन होता यही जगह जा सकता है नेहा का पोता चेतन है रवि के दादा हरि हैं। इस केस में यहाँ रवि जाएगा यहाँ हरि जाएगा इस ऊपर नहीं जा सकता है कारण एक दादा एक जनरेशन ऊपर जाएगा रवि के दादा हरि हैं। देखिए मेंशन था हर एक को एक पुत्र है इसलिए ये जो दंपति है उसका ये पुत्र होगा ये मेल होगा ये जो दंपति है इसका ये पुत्र होगा ये दंपत्ति है इसका यह पुत्र होगा और सबकी शादी हो तो हरि के दादा रवि हैं इसमें अगर आप चलिएगा तो यहाँ हरि और यहाँ रवि हरी के दादा रवि हैं यह चलेगा अब एक पुरुष का नाम आया बच गया था कुंदन की मां लक्ष्मी है अगर हम यहां कुंदन लेंगे तो उसकी मां लक्ष्मी यहां आएगी अब यहां अगर कुंदन लीजिएगा तो उसकी माँ जगह तो है नहीं इसलिए यह गलत हो गया यह कुंदन की मां लक्ष्मी है कमला की सास राधा है यह कमला है और उसकी सास हो गई ये राधा यह सेट हो गया आपका इन में कौन सा विवाहित युगल है बतलाना विकल्प है कुंदन राधा कुंदन राधा नहीं कुंदन नेहा है हरि लक्ष्मी लक्ष्मी हरी है रवि रवि कमला रवी के के साथ साथ राधा है चेतन के साथ कमला है चेतन जबकि नेहा लिखा हुआ है आंसर है हरी और लक्ष्मी विवाहित युगल आठ व्यक्ति एच e, एक टेबल के चारों ओर केंद्रमुख बैठे हैं सीट लगा दीजिए ये केंद्र है सबका चेहरा ऐसे कर दीजिए यह केंद्र मुख बैठ गया सब बी के दाहिने तीसरे स्थान पर सी है यहां से शुरू कीजिए बी के दाहिने तीसरे स्थान पर सी है जिसके दाहिने दूसरे स्थान पर ई है दाहिने इधर चला जाएगा दूसरे स्थान पर ई है जी तथा एच पड़ोसी है ए तथा जी आमने सामने बैठे हैं और ए के दाहिने दूसरे स्थान पर डी है देखिए अगर ए के दाहिने दूसरे स्थान पर डी है मैं यहाँ बैठाऊंगा तो डी यहाँ जाएगा और ए के मेंशन किया हुआ है ए और जी सामने सामने हैं यहाँ ए बैठाएंगे तो सामने सी बैठ जाएगा यहाँ ए बैठाते हैं तो दाहिने दूसरे स्थान पर सीट नहीं है यहाँ ए बैठाएंगे तो दाहिने दूसरे स्थान पर आपका सीट नहीं है जो आपको दूसरे स्थान पर डी को बैठाना था ए यहां बैठाएंगे तो दाहिने दूसरे पर डी सामने ए के जी नहीं आना चाहिए जी आना चाहिए जी नहीं सी आ रहा था इसलिए यह गलत हो गया आपका अगर आप ए को यहां बैठाएंगे तो दाहिने डी नहीं बैठेगा ए को यहाँ बैठाएंगे दाहिने डी नहीं बैठेगा दूसरे स्थान पर ए के दाहिने दूसरे स्थान पर डी है और ए के ठीक सामने आपका जी है जी और एच पड़ोसी हैं एच यहाँ चला गया तो ए बी सी डी ई एफ हो गया प्रश्न था एफ के पड़ोसी कौन है ए और बी है हैं। आपको इसमें श्रृंखला पूरी करनी है छ के बाद पैंतीस एक सौ तैतालीस तीन सौ तेईस छह सौ सड़सठ अगर मैं इनको ऐसे ऐड करके सोचता हूँ देखिए छ है उनतीस जोड़ते हैं पैंतीस से अगर चलेंगे तो एक सौ आठ जोड़ते हैं एक सौ तैतालीस से अगर चलेंगे आप तो चौदह अठारह एक सौ अस्सी जोड़ते हैं इस बेसिस पर अगर हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आप जोड़िएगा तो ये तीन सौ आएगा और चवालीस होगा साठ सड़सठ ये इनका कोई पैटर्न 29 का एक सौ आठ एक सौ आठ का एक सौ अस्सी तीन सौ नहीं आया तो नंबर से अगर वैसे नहीं होता है तो नंबर के फैक्टर्स को तोड़ लेते हैं हम लोग यह है दो और तीन यह है पांच और सात ये आपका ग्यारह और तेरह अगर इसको देखिए भाग देते हैं तो ये इससे तो जाएगा सत्रह और उन्नीस सत्रह और उन्नीस ये नंबर जो नीचे मैंने लिखा ये परिचित नंबर आपको लगेगा ये प्राइम नंबर है दो तीन पांच सात ग्यारह तेरह सत्रह उन्नीस लगातार प्राइम नंबर चल रहा है तो उन्नीस के बाद का प्राइम नंबर तेईस होता है और उनतीस होता है तो तेईस गुना उन्तीस तेईस गुना तीन छह सौ तेईस गुना तीन जो होता है उनहत्तर सिक्स नाइन्टी तेईस गुना तीस एक बार कम करेंगे तो छह सौ सड़सठ होगा अब इसके बाद का जो प्राइम नंबर है वो इकतीस है और सैतीस है तो आपको सैतीस गुना इकतीस करना था 37 गुना तीन कर दीजिएगा तो 37 गुना तीस हो जाएगा तो सैंतीस का तीन गुना करना आसान है नब्बे और सात या इक्कीस नब्बे और इक्कीस आपका एक सौ सत्रह होगा उस केस में और सैंतीस और जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका तीस या नब्बे और सात या इक्कीस तो ये आपका नब्बे और इक्कीस हो गया ठीक है और उसमें सैंतीस जोड़ेंगे तो ग्यारह सौ ये ऑप्शन नंबर सी आपको ये हल करना है जब इस तरह का क्वेश्चन जो आपका रूट वाला रहता है स्क्वायर रूट या क्यूबिक रूट या पावर आप इधर से शुरू करें दो तो सौ पच्चीस का स्क्वायर रूट जो लेते हैं ये पंद्रह एक सौ चौवन में पंद्रह जोड़ेंगे तो एक सौ उनहत्तर आएगा इसका जब स्क्वायर रूट करेंगे तो ये वैल्यू तेरह आएगा एक सौ आठ और तेरह जोड़ेंगे ये एक सौ इक्कीस होगा वो स्क्वायर रूट में जाएगा तो ग्यारह आएगा पच्चीस और ग्यारह जोड़ेंगे छत्तीस होगा तो छत्तीस स्क्वायर रूट में जाएगा तो छः बचेगा दस और छः सोलह होगा स्क्वायर रूट में जाएगा तो यहाँ सोलह बच गया आपका स्क्वायर रूट में तो ये आपका वैल्यू चार होगा और ये जो है वह सोलह का ये बोल रहा है इस तरह से आपका तो सोलह को अगर आप इस तरह से लेते हैं तो दो गुना दो गुना दो गुना दो ये आपका जाएगा तो इस केस में आपका वैल्यू दो रहेगा तो यहाँ चार बटा दो चार बटा दो आंसर दो रहेगा यहाँ क्यू से लंबा है Z केवल एक व्यक्ति से नाटा है Z केवल एक व्यक्ति से नाटा है M केवल दो व्यक्तियों से लंबा है एनपी से लंबा है M केवल दो व्यक्तियों से लंबा है M केवल दो व्यक्तियों से लंबा सबसे लंबा कौन होगा नाम यहाँ एक दो तीन चार पांच नाम आ गया है पांच नाम और कांड से है नहीं दिया हुआ तो पांच नाम में ही हम एडजस्ट करके चलेंगे Z होगा यहाँ M केवल दो व्यक्ति से लंबा तो M यहाँ P और Q यहाँ N ऊपर जाएगा तो आपका जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन और अवेलेबल ऑप्शन है उसके अनुसार N जाएगा अब इस क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग इसमें देखिए दिया गया यदि 22 वस्तुओं का क्रय मूल्य तो इसमें करना क्या है 22 वस्तु का कॉस्ट प्राइस 25 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर है तो इसमें करना ये चाहिए ये वाला यहाँ वैल्यू डाल दीजिए और ये वाला वैल्यू को यहाँ डाल दीजिए यानी बाईस गुना पच्चीस बराबर पच्चीस गुना बाईस ये बराबर हो गया तो इस केस में एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस अगर पच्चीस है और उसने आप उसको आपने बेचा बाईस रुपया में तो इसका मतलब है कि आपको तीन रुपये की हानि हुई अगर पच्चीस रुपये में तीन रुपये की हानि है तो सौ में कितने की हानि होगी सौ गुना माइनस तीन बटा पच्चीस ये हो जाएगा माइनस बारह माइनस का मतलब हा, आपका हानि है प्लस होता तो लाभ की बात करते ये बारह प्रतिशत की हानि है घड़ी के डायल पर नौ बजकर बत्तीस मिनट है देखिए ये घड़ी का डायल होता है ये बत्तीस होता है ये नौ होता है नौ बजकर बत्तीस मिनट ऐसे बजेगा इनके बीच का ये एंगल हमने आपसे एंगल पूछा गया था नहीं एंगल नहीं देख करके पश्चिम में है ये पश्चिम हो गया वेस्ट तो ये वाली सुई कहाँ होगी बतला देना है इसमें करना ये चाहिए ना आप एक बेसिक चीज जानते हैं ये एन होता है ये ई ये एस ये डब्ल्यू नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट वेस्ट से 90 डिग्री चलने पर इधर ऐसे चलेंगे कारण है कि यह सुई आपको इस तरफ चल रही है 90 डिग्री चलने पर नॉर्थ मिलता है अब अगर ये एंगल मैं निकाल लूँ तो पता चल जाएगा कि कितना डिग्री मुझे चलना है एंगल निकालने का तरीका होता है साढ़े पाँच एम बराबर तीस एच प्लस माइनस एंगल मिनट है आवर है एंगल है साढ़े पाँच का मतलब दो गुना पाँच दस और एक, एक ग्यारह बटा मिनट आपका दिया हुआ था बत्तीस यहाँ बत्तीस लिख दीजिए आवर दिया हुआ है पांच यहाँ एंगल ऐसे कर दीजिए यह सोलह जाएगा सोलह गुना ग्यारह एक सौ साठ एक सौ छिहत्तर होगा ये एक सौ आपका था नौ बजकर है ये नौ नौ था आपका इसलिए ये हो जाएगा आपका दो सौ सत्तर प्लस माइनस ए तो एंगल बराबर दो सौ सत्तर माइनस एक सौ छिहत्तर ये बराबर हो जाएगा आपका चौरानबे डिग्री एंगल अब सोचिए यह एंगल है चौरानबे डिग्री अर्थात इसमें जब आप चलिएगा तो यहां वेस्ट से चौरानवे डिग्री चलना होगा चौरानवे डिग्री चलने का मतलब नॉर्थ पार कर जाएगा नॉर्थ पार करने का मतलब नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट हो गया आपका उत्तर पूर्व एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ने वाले व्यक्तियों की औसत चाल कितनी है यदि वह क्रम से चारों भुजा पर 10, 20, 30, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है तो आप क्या कीजिए देखिए अगर यहाँ से शुरू करता है किसी भी तरफ से चलेंगे बात बराबर है ये 10, 20, 30, 40 के स्पीड से ये औसत चाल पूछ रहे थे तो इसके इसमें क्या करते हैं चालीस तीस बीस दस का आप एल्शियम ले लीजिए जिससे ये, ये सभी कट जाना चाहिए 120 मान लीजिए ये, ये 120 ये 120 ये 120 ये 120 तो औसत चाल होता है कुल दूरी बटा कुल समय ये रहता है आपका एवरेज स्पीड औसत चाल ऐसे निकालते हैं आप कुल दूरी हुआ 120 सौ बीस गुना चार चार सौ अस्सी इसमें समय लगेगा 12 घंटा 120 सौ बीस बटा दस इसमें लगेगा 120 सौ बीस बटा 6 इसमें लगेगा 120 सौ बीस बटा तीस इसमें लगेगा 120 सौ बीस बटा चालीस हम लोग इसलिए नंबर यहाँ पर ऐसे ले लेते हैं ना एल सी एम ले करके कि सब आराम से कट जाए डेसिमल से बच जाए तो ये हो गया चार सौ अस्सी बटा बारह 6 अठारह चार बाईस और तीन आपका पच्चीस है ना बारह 6 अठारह चार बाईस और तीन पच्चीस पच्चीस गुना एक बचा तेईस फिर हो गया पच्चीस गुना नौ तो सब दो सौ पच्चीस पचास दशमलव दो किलोमीटर प्रति घंटा यह आपका आंसर था कौन सा विकल्प मूल शब्द के अक्षरों के प्रयोग से नहीं बनता है तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है पेरेंट टेनेंट सैनिटेशन प्रेजेंट रिसेंटमेंट पेरेंट में तो बन जाएगा पी ए आर ई एन एन टी टेनेंट भी हो जाएगा टी है ई है एन है ए है एन है टी है सैनिटेशन इसमें भी सब लेटर नजर आता है एस ए एन आई रिसेंटमेंट में एम नजर आ गया एक नया चीज जो तो आपके इसमें नहीं था तो कौन सा शब्द नहीं बन पाया आंसर है रिसेंटमेंट पिता और पुत्र पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग बावन साल है चार वर्ष के पश्चात पुत्र की आयु पिता की आयु की एक चौथाई होगी देखिए एक तो तरीका होता है ये फादर और सन इसका वर्तमान आयु जो होगा वो बावन है अगर हम चार साल बढ़ेंगे तो ये एफ प्लस फोर होगा ये एस फोर होगा और इनका जो रेशियो होगा वह आपका एक चौथाई होगी यानी ये चार होगा तो ये एक होगा तो यहाँ पर अब सॉल्व करेंगे तो समय ज्यादा लगेगा जैसे आप ये पढ़े और ये सीखने वहीं पर देखें एक चीज निकल जाएगा चार साल बाद पिता बढ़ेगा चार साल बाद पुत्र बढ़ेगा तो वर्तमान बावन में चार और चार दो बार बढ़ेगा आठ चार साल इसका चार साल इसका बावन आठ साठ साठ जो है वह फोर इस टू वन के रेशियो में जाएगा तो साठ को पांच भाग में बांटेंगे साठ को पांच भाग में बांटेंगे तो ये अड़तालीस और ये बारह होगा यानी चार चार साल बाद ऐसा होगा तो वर्तमान में ये चौवालीस साल का था चार घटा दीजिए ये आठ साल का था तो चार साल के बाद ये अड़तालीस हो गया ये बारह हो गया क्वेश्चन है कि दस वर्ष के बाद तो वर्तमान से दस वर्ष की बात करेंगे तो चौवालीस से आपका चौवन होगा और आठ से दस बढ़ेगा अठारह होगा तो ये पुत्र है ये पिता है तो ये आपका तीन है और ये एक है तो ये बात ध्यान रखिएगा पहले किसका नाम आया पुत्र पुत्र तो वन है और पिता पिताया ये तीन है तो इनका रेशियो हो गया वन इज टू थ्री ये रेशियो हो गया वन इज टू थ्री क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है इनमें भिन्न कौन है बतलाओ तो यहां पर अल्फाबेट के हिसाब से देखेंगे एक होता है ये आपका इसका वैल्यू छह होता है ये तेरह है ये चौदह है ये सोलह है ये सत्रह है ये नौ है ये बारह है तो देखिए बारह और पंद्रह सताइस नौ अठारह सताइस सत्रह दस सताईस सोलह ग्यारह सत्ताईस एक और छब्बीस सत्ताईस छः और इक्कीस सत्ताइस यहाँ आपका देखिए लास्ट वाले का शुरू वाले से मिलना है तो चौदह चौदह सताइस नहीं हुआ ये तेरह तेरह सत्ताईस नहीं हुआ अगर यही तेरह चौदह होता तो तालमेल बैठ जाता यानी ये इससे तालमेल नहीं बैठ रहा था ए एक है तो इसका ऑपोजिट छब्बीस यहाँ है ये यह तेरह है तो चौदह यहाँ होना चाहिए सोलह का ग्यारह सताईस नौ का अठारह सत्ताईस एक बेलन की ऊंचाई में 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हैं उसके त्रिज्या में 10 प्रतिशत की कमी करते हैं तो उसके आयतन में कितना क्या परिवर्तन होगा ये आपसे पूछ रहे हैं आप अगर इसकी बात करते हैं तो इस केस में ध्यान रखिएगा इसका जो वॉल्यूम होता है वह पाई आर स्क्वायर एच होता है यह उसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच में जाएगा आपका वॉल्यूम इसमें क्योंकि इसका एरिया पाईआर स्क्वायर और ये हाइट जो है एच इसलिए इसका वॉल्यूम होता है स्क्वायर एच अगर मैं शुरू में परसेंटेज कितना है दस दस है तो ऐसा करते हैं ये दस लेते हैं दस गुना दस गुना दस सब दस मानकर चल रहे हैं तो ये दस गुना दस गुना दस हजार पाई आपने क्या किया कि ऊंचाई में दस परसेंट बढ़ा दिया ऊंचाई जो आपका था ना जो दस था ये दस स्क्वायर है आपने इसमें दस परसेंट बढ़ा दिया एक बढ़ा दिया ग्यारह हो गया और इसमें आपने दस परसेंट कम कर दिया यानी ये माइनस वन हो गया तो ये नौ का स्क्वायर हो गया ठीक है अब इसका वॉल्यूम हो गया आपका इक्यासी गुनाई ग्यारह बाई वॉल्यूम इसको गुना कर लीजिए एक हुआ एक बचा अठासी एट नाइन्टी तो वॉल्यूम हो गया एट नाइन्टी वन पाई पहले इसका वॉल्यूम था हजार पाई अब हो गया एट नाइन्टी वन पाई यानी घट गया आपका एक सौ नौ पाई घट गया ये आपका घट गया तो जब परसेंटेज की बात करते हैं तो सौ में निकालते हैं हजार में इतना घटा एक जीरो यहाँ से हटा दो यहाँ एक डेसिमल लगा दो तो सौ में कितना होगा तो दस दशमलव नौ पाई और पाई तो कॉमन था हटा दीजिए यानी आपका टेन पॉइंट नाइन ये कमी हो जाएगी घट रहा था आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी तो ये आपका पच्चीस क्वेश्चन का सेट था जो आपके भिन्न परीक्षाओं के विषय में मैंने कहा उसमें पूछा जा सकता है ऐसे ही आपका अलग अलग सब्जेक्ट्स में जैसे आपका हिस्ट्री है पॉलिटी है जोग्राफी uh, रहेगा साइंस रहेगा रीजनिंग मैथ रहेगा इकोनॉमिक्स रहेगा आपको वीडियो मिलता जाएगा आप उससे सीखते जाइए और बैचेस अगर ज्वाइन करना है तो ऑफलाइन क्लासेस भी होता है ऑनलाइन क्लास भी होता है ऑनलाइन के लिए आप राज इंस्टीट्यूट का ऐप जो है वो डाउनलोड करेंगे और ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप जो इंस्टीट्यूट का नंबर है आप उस पर फ़ोन करके कब बैच शुरू होगा वो पता कर सकते धन्यवाद